कैसा वधिया मौसम चढ़िया है, धुप निकली हुई है, सोहना गार्डन बनया हुआ, घा शाह कटिया हुआ। तो बेसिकली इदा नहीं है, सवेरे उठिया तो मैं डेवस्टेशन दे नाल जनाब घा वेख्या, घा इन्ना लम्मा चौड़ा होया हुआ सीगा। तो सुबह नाश्ते तो पहले वर्कआउट करना पिया आ, घा कटिया आ, तो हूँ जनाब ऐसा खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। वैदर अच्छा आ, कॉफ़ी बनाई है, लेट्स एंजॉय द कॉफ़ी। अज ना बड़े दिनों तो बाद मैं वीडियो बना रहा हाँ, कोई गल जेन च नहीं आती, कोई कॉन्सैप्ट जेन च नहीं आता कि टॉपिक पर वीडियो बनावा। तो दो ना यूट्यूबर ने बेसिकली, एक का नाम पीटर मकैनन तो दूसरा आ केसी नाइस्टैट ने, दोनों ना मैं बड़ा मतलब औलिया समझदा हाँ यूट्यूब की दुनिया का, व्लॉगिंग की दुनिया का। तो पीटर मकैनन की एक वीडियो कल मेरी नज़र गुजरी, जो टॉपिक सगा कि वीडियो बनाई है अगर साढ़े को टॉपिक ही नहीं है कोई गल करने वास्ते। तो वह कल जिक्र करता से कहता कि अगर थोड़े को नई टॉपिक है ना, कोई जेहन गल नहीं आ रही कि इस टॉपिक के अराउंड वीडियो बनानी है, कहता स्टिल तुम कैमरा चको तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। रिकॉर्डिंग करोगे ना, जो कैमरा रोल होना शुरू हो जाएगा तो कोई ना कोई गल्ला तो दिन आनिया शुरू हो जाएगियाँ। तो एवेंचुअली कहता फिर जो गल्ला आनिया शुरू हो जाएगियाँ तो ओबियसली थोड़ी वीडियो बन जाएगी। कहता यह भी हो सकता है कि थोड़ी जेहन गल कोई ना आए, तुम एवं चबला चुबला मार के वीडियो कंप्लीट कर लवो। कहिंदा उन्हें कंप्लीट करो, बनाओ, बना के देखो, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो अपलोड ना करो। इदा एक दिन करोगे, दो दिन करोगे तो एवेंचुअली ना तुम उस रिदम दे विच आ जाओगे वीडियो बनाने की। तो अज की जी मेरी मेरी वीडियो है ना, ये भी उदा ही है, कोई टॉपिक नहीं मेरे दिन, मैं की करा, की गल करा, की थोड़ा विखाव। बहरहाल कैमरा रोल हो गया तो देखते हम गल कि पहुँचती है। इंग्लैंड ना हर एरिया दे विच कोई ना कोई एरिया ऐसा हुंदा, मतलब हर शहर दे विच ना कोई एरिया ऐसा हुंदा जिहड़ा ना देसियां दा एरिया हुंदा। हुण आ जिहड़ा एरिया ना, ये रॉसडेल दा तुसीं कह लो कि मतलब बहुत सारे एरियाज दे विचों एक एरिया आ जिथे ना देसी दुकाना बहुत ने, मिठाई दीआं दुकाना हो गई, होटल रेस्टोरेंट हो गए, कैश एंड कैरी हो गई, जिहड़ियां मतलब नॉर्मल करियाना स्टोर हुंदे आ वह बहुत सारे ने। आ लगता कोई नवीं दुकान खुल गई है, जैकब्स गुब्बारे गुब्बारे लाए ने, वो पता करो इतों फ्री तो नहीं लभन डे अच कुछ पता करो जो अज फ्री खाना है तो अज फिर इतें ढेर हो जाइए अज माशाल्लाह वैदर बहुत सोहना निकलिया यार, गर्मी भी अच्छी हो गई, टेंपरेचर हो गया या 21 जिहड़ा कि इस मुल्क दे हिसाब नाल काफ़ी ज़्यादा आ। इन्ना है कि धुप्पे बाहर बैठे नहीं जा रहा, ब्यूटीफुल वैदर। मौसम अच्छा हो तो हर थान से रश लग्या होंगे, ईवन है कॉस्को दे विच पेट्रोल पाने वास्ते भी रश है, पार्कों से शॉपिंग सेंटर से रश होवे तो होवे, इत्थे यार पेट्रोल स्टेशन पर भी रश लगा पिया। When you
will be next. Oh, I thought you told me to leave. No, I was just saying that you're pushing the poor guy's car now. Oh. He shouldn't push it himself. People just love sticking their nose in other people's business, isn't it? Do you know her? Oh. Appreciate your help, man. He liked to do on a key, but money is low, but he knew the good feedback. Okay, yeah, well, yeah. Thank you. Let's go. So shopping is done. Now let's head back home. ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਭੁਗਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਟੱਪ ਗਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੈਂਟਰ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਸੀਗਾ ਪਰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਪ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਚਾਚਾ ਚਾਏ ਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਚਾਏ ਖਾਨ ਚਾਏ ਨੇ ਚਾਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਸ ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਲਓ ਜੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਭੁਗਤਾ ਹੋ ਗਏ ਘਾਹ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭੁਗਤਾ ਹੋ ਗਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵਿਮਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲੇਜ਼ੀ ਔਰ ਰੈਸਟਫੁਲ ਡੇ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਟੋਪਿਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੋਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਅੱਜ ਸਵਾਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼